सबों को जयसु। डोमिनिकन मीडिया मिशन की ओर से आप सबों का स्वागत है। आज पास्का का सातवां रविवार है और माता कलीसिया प्रभु येसु के स्वर्गारोहण का पर्व मनाती है। स्वर्गारोहण का मतलब होता है स्वर्ग में आरोहित कर लिया जाना। प्रभु येसु के शिष्यगण प्रभु येसु से बेहद प्रेम करते थे। प्रभु येसु के जाते वक्त उन्होंने ज़रूर उनसे पूछा होगा, प्रभु आप क्यों जा रहे हैं? यदि आप इस पर्व का सही अर्थ समझना चाहते हैं, तात्पर्य समझना चाहते हैं, तो हमें भी बिल्कुल यही प्रश्न पूछना है, प्रभुवर आप क्यों जा रहे हैं? पवित्र ग्रंथ हमें अनेक उद्देश्य बताता है क्यों प्रभु येसु हमसे उठा लिए गए, और उनमें से चार विशेष कारण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहला उद्देश्य, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 3, प्रभु का वचन कहता है, मेरे पिता के यहाँ अनेक निवास स्थान हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, मैं तुम्हारे लिए निवास स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूँ, मैं दोबारा लौट के आऊँगा और तुम्हें भी वहाँ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। तो प्रभु का उद्देश्य मात्र यही है कि हम अनंत काल तक प्रभु के साथ रहें। याद रहे प्रभु क्या कहता है, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। आपको याद होगा शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया, वो उसके प्रेम की निशानी थी। प्रभु येसु हमसे बेहद प्रेम करते हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो महल, जो निवास स्थान प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है वो कितना खूबसूरत होगा? दूसरा उद्देश्य, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20, प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उसका पालन करो, उन्हें सिखाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु हमारे बीच से जा रहे हैं हमेशा के लिए नहीं, बल्कि हमारे साथ रहने के लिए जा रहे हैं। इसका एक नमूना, एक प्रमाण आज के सुसमाचार में देखने को मिलता है। प्रभु क्यों जा रहे हैं? ताकि वो हमारे साथ रह सके, हमारी सहायता कर सके। वचन के अनुसार मार्कुस 16 पद संख्या 20 में प्रभु कहता है, शिष्य सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, प्रभु उनकी सहायता करते रहे, उन्हें विभिन्न चमत्कारों और चिन्हों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। प्रभु येसु की मृत्यु के बाद भी, प्रभु येसु के पुनरुत्थान के बाद भी, प्रभु येसु के स्वर्गारोहण के बाद भी प्रभु येसु शिष्यों के साथ थे। इतना ही नहीं, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित कर रहे थे। विश्वास करते हैं हम कि प्रभु आज भी हमारे साथ हैं। प्रभु हमारे साथ थे, प्रभु हमारे साथ हैं, प्रभु हमारे साथ रहेंगे। याद रहे यह उद्देश्य है, प्रभु किस लिए जा रहे हैं? वो जा रहे हैं ताकि संसार के अंत तक हमारे साथ रहे, ताकि हमारी वो सहायता करते रहे। तीसरा उद्देश्य, वचन कहता है योहन का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 7, तुम्हारा कल्याण इसी में है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। प्रभु जा रहे हैं ताकि सहायक हमारे पास आ सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरे जाने पर ही सहायक हमारे बीच में आएगा, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आएगा? प्रभु येसु इस पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक की ओर उठा ले गए और वहाँ पर उस स्थान पर विराजमान है, उस उचित स्थान पर विराजमान है जो उनके लिए बनाया गया है, और वो स्थान है पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर, और वहाँ से
पिता और पुत्र से पवित्र आत्मा प्रस्तुत होकर हमारे बीच में आता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा क्रिस्तीय जीवन जो है वो एक वाहन की तरह है और उस वाहन का चालक पवित्र आत्मा है और यह चालक हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। प्रभु सचमुच चाहता है कि हमारा जीवन का संचालन पवित्र आत्मा करे। यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है तो हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। और सबसे अंतिम उद्देश्य जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, उसे संत पौलुस हमें समझा रहे हैं। रोमियों के नाम अध्याय 12 पद संख्या 5, एफिसियों के नाम अध्याय 3 पद संख्या 6, पहला पत्र कुरिन्थियों के नाम अध्याय 12 पद संख्या 12, इन सभी पत्रों में संत पौलुस यही बताते हैं, बार बार समझाते हैं कि प्रभु यीशु माता कलीसिया के शीर्ष हैं। तो हम कौन हैं? हम प्रभु यीशु के शरीर के अंग हैं। यदि हम प्रभु यीशु के शरीर के अंग हैं और प्रभु यीशु हमारा शीर्ष हैं, तो जो भी कार्य प्रभु यीशु ने प्रारंभ किया वो हमारा कार्य है। जो मिशन कार्य प्रभु ने आरंभ किया वो अब हमारा हो चुका है। और इसीलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, आदेश देते हैं आपको और मुझे, सारे संसार को, और कहते हैं संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। याद रहे, प्रभु सचमुच चाहते हैं कि उनका कार्य हमारे द्वारा जारी रहे। प्रभु सचमुच चाहते हैं कि वह हमारे जीवन में कार्यरत रहे। ध्यान रखें प्रभु क्या कहता है, संसार के कोने कोने में जाकर। इसका अर्थ ये है, प्रभु ऐसा नहीं कहता कि संसार के बड़े बड़े शहरों में जाकर। प्रभु कहता है संसार के कोने कोने में जाकर। इसका मतलब ये है कि संसार का कोई भी कोना न छूटे, बल्कि संसार के हर कोने में जाकर प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाया जाए। ये बड़ी जिम्मेदारी आपको, मुझे, हम सबों को दी जा रही है ताकि प्रभु यीशु का कार्य जारी रहे। ये चार विशेष उद्देश्य मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपका दिन शुभ रहे। सबों को जय शुभ।